गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहाँ पर आप और हम हर रोज ओरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा है आपका मूलांक और कौन सी होगी आपकी रीडिंग, तो एक उदाहरण देकर आपको हम बताना चाहेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 जुलाई 2023, आज की जो तारीख है 29, उसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 11, और 11 को जब हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2। तो आपका आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 2, और नंबर 2 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, जो कि प्लैनेटरी सिस्टम के सेकंड मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट हैं उनमें से एक है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो उनका तत्व जो होता है वो जल होता है, और कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल और हमारे मेंटल लेवल पर इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 29 जुलाई 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम धन्यवाद से भरे होते हैं उतनी ही ज्यादा सफलता के चांसेस हमारी जिंदगी में होते हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं जीवन में, आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जो आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद से आभार से भरे हुए नहीं हैं, तो फिर कैसे आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि परमात्मा आपसे प्रसन्न हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन सभी के लिए आभार जितना अधिक आप व्यक्त करेंगे उतना ही अधिक आप जो है आंतरिक रूप से और सामाजिक रूप से ग्रोथ को महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 2, चूंकि आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 2, और मूलांक 2 की हम रीडिंग कर रहे हैं, सो देखते हैं क्या गाइड किया जा रहा है। कहा जा रहा है रीबर्थ। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। कहीं ना कहीं आज आप एकदम नया जन्म अपना महसूस करेंगे। नया जन्म मतलब कि आपके विचारधाराओं में परिवर्तन आ सकता है। जो अभी तक आपके कार्य करने का तरीका था, कार्यशैली थी, उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। हो सकता है आज जो है आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है आपका जॉब परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है कि आपको कोई नए प्रोजेक्ट मिल जाए काम करने के लिए, आपकी विचारधाराएं, आपके सोच, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी घटनाक्रम बदल दे। तो कुल मिला के आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो चल रहा है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, आज के दिन की आपकी सफलता की कुंजी है आपका अपना धैर्य और एक्सेप्टेंस। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज क्या जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत अच्छी आपकी आज एनर्जी है। ऐसे में आपका जो आप अपना कार्य करने का जो आपका तरीका है, जो भी आप काम करेंगे उससे बहुत सारे आप अपने आलोचकों के का मुंह बंद कर देंगे। आपके काम का तरीका जो है आज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है, बशर्ते कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान जी के बाएं पैर का जो सिंदूर है उसको आज आपको लगाना है अपने आज्ञा चक्र पर और साथ ही साथ अपने नाभि केंद्र पर। और आपको ये क्लियर कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे आज उतना ही सक्सेस आपको प्राप्त होगी। अगर आपको आज कहीं प्रेजेंटेशन देना है या आपको कोई भी ऐसा कार्य करना है जहां पर आपको अपने आप को अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हनुमान जी का स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है
क्रिएशन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की ऊर्जाएं आपकी अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित कर सकते हैं, आपके काम करने को आपके विचार प्रभावित कर सकते हैं। आज क्लियरली आ रहा है कि जो भी आप सोचेंगे आज आप उसे जरूर पाएंगे। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी विचारधारा थोड़ी भी नेगेटिव है तो ये मान के चलिए कि वो भी कहीं ना कहीं आप चरितार्थ कर देंगे और बाद में आप दोष देंगे किसको, परमात्मा को, कि भगवान तूने ये क्या किया। बल्कि वास्तविकता में आपकी अपनी धारणा क्या है, आपका अपना बिलीव सिस्टम क्या है, आज आपको स्वाध्याय करने की जरूरत है। आज आपको अपने आप को, हम कहते हैं ना वो व्यक्ति खराब है, उसके अंदर ये कमी, उसके अंदर वो कमी, आज आपको ना खुद के अंदर कमी ढूंढना है और उसको, उसके ऊपर कार्य करना है, पॉजिटिवली आपको अपने ऊपर काम करना है, सो दैट कि आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हैप्पीनेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, कहीं ना कहीं जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं उन चीजों के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं उन विषयों पर आपको खुश रहना सीखना होगा, भगवान को धन्यवाद देना सीखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके पास वो सब कुछ मौजूद नहीं है जो आपके पास है। तो थोड़े से अपने थॉट प्रोसेस के अंदर आपको आज चेंज लाने की आवश्यकता है और आप जिस भी परिस्थिति में हैं अपने आप को आपको उसी में खुश रखना है और कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें आपके कार्य पर और आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। अगर आपके पास जो भी कुछ मौजूद है अगर आप उसके अंदर पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, तो आप यकीनन आज का दिन बहुत बेहतर तरीके से गुजारेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार की शिकायत है, तो फिर आज एंजाइटी और डिप्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनका आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे खुश रहने वाले हैं उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ आज होने वाली है। हो सकता है कि आप जो भी कोई कार्य अकेले करने वाले हों, आपको डिवाइन ब्लेसिंग से सपोर्ट मिल जाए, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी कोई पार्टनरशिप, आपकी कोई हेल्प के लिए आप आज आगे आ जाए, तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है अगर आप किन्हीं के साथ उस कार्य को शेयरिंग करते हुए अपना आप कंप्लीट करते हैं। आज आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप हर उस चीज की बता रही है जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को आज कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आप अगर कॉलेज में हैं या आप प्रोफेशनली अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, तो जो भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास है, तो जो भी एज अ टीम आपके साथ काम करने वाली है, जो भी लोग आपके साथ जुड़कर काम करने वाले हैं, आज आपको उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और उनकी हेल्प को आज आपको स्वीकार करना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो पावर है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, मैनिफेस्टेशन की ऊर्जाएं हैं, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है उनको आप अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिला के आज के दिन की ऊर्जाएं आपकी फेवर की हैं, तो आज के दिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज के दिन अगर आप कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी मशीनरी अगर आप खरीदना चाहते हैं जो आपकी जॉब के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सहायक होगी, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा इन्वेस्टमेंट अवश्य करें, आपको उसमें ग्रोथ ही मिलेगी, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, जेंटलनेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन वाणी पर और अपने व्यवहार में थोड़ा सा आपको प्रेम और करुणा रखनी है, बिल्कुल भी रूखा व्यवहार आपको आज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आज कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में बहुत नकारात्मक एक आपका जो है वो
इम्प्रेशन पड़ेगा। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपके भीतर आपको प्रेम और करुणा को जागृत करना है। जिस भी व्यक्ति के साथ बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने से जो नीचे के पद पर आसीन लोग हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज वो काउंट होगा और नोटिस किया जाएगा। आज आपको डिवाइन क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि प्रेम करुणा और दया के भाव में रहें, दूसरे की परिस्थिति को भी समझने का प्रयास करें, किसी के साथ जजमेंट आज आप ना करें, जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 29 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज कहीं ना कहीं फोकस आउट हो रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। अगर विशेष तौर पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग पर आपको ध्यान दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान जो है वो भटक रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पर आपको आज काम करने की जरूरत है। अगर हम बात करें आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं अपने कार्य में आपका जो फोकस है वो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में हो सकता है कोई चैलेंज हो आपके समक्ष, जहां पर आपका जो ध्यान है वो अपने करियर और अपनी ग्रोथ से थोड़ा सा भटक रहा है। तो परमात्मा आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो प्लानिंग की थी, उसी पर अडिग रहें। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। इतना प्यार और सम्मान आप हमें देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, श्रावण अधिक मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है शनिवार। आज पद्मिनी एकादशी का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 11:34 तक है, आगे मूल नक्षत्र है। योग ब्रह्म है, सुबह 9:33 तक आगे इंद्र योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका सदुपयोग करें, विशेषकर अगर कोई ऑफिस रिलेटेड काम है, सरकारी काम है, वो आज सिद्ध हो सकते हैं। करण वृष्टि है, दोपहर 1:06 तक आगे बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:40 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:14 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:00 से लेकर 12:54 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे तो इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, फिर भी रोजाना सूझबूझ से इन्हें समझ के टाल दीजिए। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो थे सुबह 5:40, 6:34, 6:44 और 7:28। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत ही मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी और जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से लेकर 9:00 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक, फिर शाम 7:15 से शाम 8:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योगकारक है। अच्छे अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रख के करेंगे, सक्सेस के चांसेस आपको ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अवसादग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं, अपनी माता से यानी अपनी माँ से बातचीत करके आशीर्वाद लेकर आज सारे कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं, धैर्य बनाए रखें, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन के वाले मामलों में अनावश्यक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे, ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान भी संभव है। और सिंह राशि वाले घर में हो रही नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाभ
और कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और हर जगह से देखेंगे अपने सपोर्ट को बनते हुए। तुला राशि वाले वाणी पर बहुत ही विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे अब सुधरेगा। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे, जीवन साथी का साथ रहेगा अच्छा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल देगा। मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही विशेष श्रम करते हुए दिखेंगे और कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। और मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत के आश्रम या तीर्थ स्थान पर जाएंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको सारी समस्याओं से बाहर ले आते हैं और बहुत ही जल्दी आपको जीवन में सफल बना देते हैं। और फिर अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत ही बड़ा शत्रु हुआ करता है मनुष्य का। रावण जैसे महाज्ञानी में भी अहंकार का दुर्गुण बहुत ही विशेष था, जिसकी वजह से उसके सभी गुणों को विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी भले ही बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश निश्चित रूप से हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर जाता है और विवेक के बिना निर्णय लगातार उसके गलत होने लगते हैं, जिससे पतन होना बिल्कुल तय होता है। जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को आचरण में उतारने लगें तब हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी होते हैं। इस पे शास्त्र यूं कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपे शात मदस्तस्मिन विद्यते, यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे, ज्ञानम तस्य कुतो भवेत। यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता और जिसके पास अहंकार है उसे कहाँ से ज्ञान होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान वो है जो आपके आचरण में उतारा हुआ हो और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के बहुत ही सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत ही दृढ़ता से, तेज गति से, बहुत ही प्रसन्नता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप सब लोग 27 बिल्व पत्र ले लें और गौ माता के गोबर को जलाकर बनी हुई भस्म में गुलाब का इत्र, गुलाब जल और केसर मिलाकर बिल्व की ही लकड़ी से बने हुए एक छोटी सी डंडी, जिसको एक कलम की तरह बना लीजिएगा, उससे प्रत्येक बिल्व पत्र पर ह्रीम लिखें और ह्रीम लिखने के बाद में इन 27 बिल्व पत्र को दोपहर 12:15 के बाद में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। साथ ही साथ आज आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग शुद्ध गोघृत में भिगोकर इनको रखें और साथ में एक पताशा हो और एक जायफल हो, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां ये हनुमान जी को अर्पित कर दें और बजरंग बाण के 11 पाठ करें। ये सारा काम अगर आज आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही शुभ, बहुत ही उन्नति कारक आपके लिए रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, घर में लगातार लड़ाई झगड़े आपस में हो या बहुत ज्यादा कलह बढ़ रही हो, मन मुटाव इस स्थिति पर आ चुका हो कि अब अलग होने की सोचने लगे घर वाले, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप एक छोटा सा उपाय करें तो इस सारी समस्या से, इस बहुत बड़ी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आप 27 त्रिदल बिल्व पत्र ले लें और गुलाब का इत्र ले लें, शहद ले लें और चंदन ले लें और इस गुलाब, इत्र, शहद और चंदन के द्वारा एक शाही बनाएं और शमी या बिल्व की लकड़ी से इस त्रिदल में पहले पत्ते पर राम लिखें, दूसरे यानी बीच वाले पत्ते पर जिस व्यक्ति से मनमुटाव चल रहा हो या जिसकी वजह से कलह हो रही हो उसका नाम लिखें और अंतिम पत्ते पर ओम लिखें और फिर इन बिल्व पत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर चिपकाते जाएं। ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है और साथ ही साथ आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय 5 माला का जाप करना है, वहीं मंदिर में बैठ के करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। आप कीजिए और इस समस्या से बाहर आइए। ऐसे ही दर्शकों, आर्थिक रूप से परेशान भक्तों को आज एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। आज आप 11 साबुत पत्ते पीपल के ले लें, उन्हें गंगा जल से धोएं, फिर लाल चंदन घिस कर अनार की कलम से और प्रत्येक पत्ते पर सीताराम लिखें, यानी जो चंदन आपने घिसा है, जल मिला हुआ, वो शाही होगी और अनार की कलम से लिखेंगे सीताराम।
फिर इन्हें माला के रूप में पिरोएं और फिर भगवान हनुमान जी को पहना दें। ये मंदिर में करना है और मंदिर में बैठे बैठे 21 पाठ हनुमान अष्टक का यानी संकट नाशन स्तोत्र का करें। और ये उपाय या तो आप सुबह 9:10 से सुबह 10 के बीच करें या फिर रात्रि में इसी समय करें, तो सटीक फल मिलेगा, आप समस्याओं से बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऐसे जिन छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है या जो लोग प्रमोशन चाहते हैं या राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:20 के बीच में 108 तुलसी पत्र आप ले लीजिए और लाल चंदन से उस पर राम नाम लिखिए। प्रत्येक तुलसी पत्र पे राम लिखना है और फिर भगवान हनुमान जी को ये पहनाइए माला बना के, और किष्किंधा कांड का पाठ आप शुरू कर दीजिए। नित्य एक पाठ आपको करना है 108 दिन तक बिना रुके, लगातार एक एक पाठ करते रहिए। प्रसाद में भगवान को लाल अनार, लाल सेव अर्पित करें, सफ़ेद मावे की शुद्ध मिठाई रहे और गुलाब की माला भगवान को आज आप पहना दें। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, सारी समस्याओं से बाहर आएंगे और आपका जो लक्ष्य है, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, राजनीति के लिए जा रहे हैं या प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, आपका मार्ग निष्कंटक बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सारी पूजन पद्धति में उपायों में एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, एक तो शुद्ध वस्त्र धारण करना है, भोजन सात्विक रहेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो फिर हनुमान जी कृपा निश्चित रूप से आपके साथ बन जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर भी ला रहे हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कैलाश शर्मा जी की। 18 जुलाई 1976 का जन्म है, शाम 5:03 और जयपुर में इनका जन्म हुआ है। कैलाश जी ने पूछा है स्वास्थ्य समस्याएं कब ठीक होगी। देखिए कैलाश जी, आपका धनु लग्न है, मीन राशि है, यानी आपके पूरे जो जीवन के मालिक हैं वो बृहस्पति हुए, लग्नेश गुरु रोग भाव में बैठे हैं और अष्टम में आपके बुध शुक्र शनि सूर्य बैठे हैं, तो अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से आप परेशान हैं, जैसे कि चर्म रोग, हड्डियों की समस्या और डायबिटीज़। उस पर भी आपको सन 2017 से चंद्रमा की महादशा चल रही है जो आपके अष्टमेश होने से रोग के कारक है। आपके मार्केश भी हैं और दोष से पीड़ित हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नींद की कमी रहती है, डिप्रेशन से लगातार जूझ रहे हैं। आपकी जो समस्याएं हैं पूरी तरीके से तो मई सन 2027 में जाकर समाप्त होगी, लेकिन आपको राहत मिल जाए, इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाए, इसके लिए गुरु सूर्य के साथ साथ गुना आप जाप करवाइए, गले में एक पुखराज पहन लीजिए और चंद्र ग्रह की शांति के जाप करवा लीजिए और इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए या आप खुद जप करना शुरू कर दीजिए। बहुत सी समस्याओं से आप निश्चित रूप से बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रितेश सैनी जी की। 12 से हैं, 18 फरवरी 1990 का इनका जन्म है, दोपहर 12:14 और प्रश्न किया है सरकारी नौकरी का देखिए और किस फील्ड में लगेगी ये बताइए। देखिए रितेश जी, आपका वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के आप अधिपति हैं और पंचमेश बुध राहु से ग्रस्त है। चंद्र और पंचमेश की दशा बता रही है कि आप अभी एकाग्रता से जमकर मेहनत नहीं कर रहे हैं, वरना आपके जो सूर्य की और गुरु की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में और नवमांश कुंडली में है, तो इस प्रकार की है कि आप तक इस वक्त तक आपकी सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए थी, वो भी टीचिंग के फील्ड में, यानी आप सरकारी टीचर बन जाने चाहिए थे। अभी आप चंद्रमा शुक्र बुध के साथ साथ गुना जाप करवा लीजिए, एक फायर ओपल गले में पहन लीजिए और हाथ में पन्ना पहन लीजिए। अक्टूबर सन 2023 से मार्च सन 2025 के बीच में आपकी सरकारी नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में लग जाएगी, अच्छे से प्रयास कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय, आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही साथ एक निवेदन कि श्रावण मास चल रहा है, वृक्षारोपण करें और सामने जो आपकी प्रकृति है ये भगवती है, इनकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।